पहचाना मुझे? नहीं पहचाना क्या अर्चना जी, आप भी शेखर की तरह फेस नहीं देखती? वैसे मुझे परमीत ने पहचान लिया था, बोला वही रात वाली ना, मैं तो पांव पे गिर गई, बोला आप कितने महान है वरना दिन में कौन पहचानता है। मुझे ना यहाँ पे अपना पार्टनर ढूंढने आई हूँ, मेरा पार्टनर ना बिल्कुल परमीत जैसा होना चाहिए, बाल परमीत जैसे, चाल परमीत जैसे, कॉमेडी भले ही ना आती हो, नाम मैं उसका कपिल रख दूंगी, दो नंबर तो नाम के ही मिल जाएंगे, क्यों अर्चना जी? वैसे मेरा पार्टनर गया कहाँ, मैं फोन लगाती हूँ। हेलो पार्टनर, वेयर आर यू? अबे मैंने कहाँ जाना है, यही हूँ मैं। तो सामने आओ ना। आता हूँ सामने, पहले जिप तो खोल। ओए बैग की नहीं, इस बैग की जिप खोल। देखा अर्चना जी, अभी तो सामने नहीं आया, इतनी रोमांटिक हो गई, जब सामने आएगा तो क्या करेगी। देखा अर्चना जी, आते ही माँ याद करवा दी, आगे आगे देखिए करता हूँ क्या। How sweet. अब ये तो बुरा मत निकला, अब सॉरी 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 नहीं सूरी, देखा। ओ चुप है, लोगों के सर बाहर आते हैं, तेरी पहले टांगे भारी, तू है कौन? मुझे नहीं पहचाना, मैं हूँ तेरा पार्टनर सूरी। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, मैं ना यहाँ पे जज बनने आया हूँ, क्योंकि मेरे लेवल का नहीं है ना कोई भी। ओए लेवल की बात मत कर, जिसके साथ तू जज बनने की सोच रहे ना, तेरे से बड़े बिस्किट चाय में डुबो के खा जाती है। चलो छोड़ो सारी बात को, ये बताओ कि मेरी जजमेंट वाली कुर्सी कहाँ गई है? मेरी जजमेंट वाली कुर्सी कहाँ गई? जिसके साथ तू जज बनने की सोच रहा है ना, जब वो पैदा हुई थी ना तब भी तेरे से 2 इंच लंबी थी। चल फुट। ऐसा मत बोलो, नहीं तो मेरे घर वाले भूखे मर जाएंगे। बाकियों का छोड़ो, कम से कम मेरे छोटे भाई के बारे में सोच लो, जो अभी तक पैदा ही नहीं हुआ। वैसे अर्चना जी, घर में सबसे बड़े होने का यही पंगा है। तू बड़ा है तो बाकी? पूछो मत, हमारी ये वाली जनरेशन तो फिर भी दिखाई दे रही है, नहीं तो मेरे दादाजी वो तो इतने छोटे थे, नहीं इतने छोटे थे कि एक बार उन्होंने टॉस करने के लिए चवन्नी उछाली, चवन्नी के नीचे दबके मर गए। और मेरी दादी तो इतनी छोटी थी कि छिपकली पर बैठकर पूरा घर घूम मिलती थी। How exciting! चलो छोड़ो सारी बातों को यार, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मेरे साथ जोड़ी बना लो, मेरे साथ जोड़ी बना लो, मैं बड़ी काम की चीज हूँ। तूने अपना साइज देखा है? ओए साइज की बात ना कर, तुम्हें नहीं पता शॉर्ट साइज का क्या फायदा, उससे पूछ जिसने उठाया है। यार छोड़ो सारी बातों को, मैं तुम्हें कह रहा था कि मैं ना एक्चुअली गांव से आया हूँ, इसलिए मैं पूरा डेवलप नहीं हो पाया, वैसे मैं पूरा मर्द हूँ। मेरा देखो वोटिंग कार्ड भी बनाइए, देखो वोटिंग कार्ड। अर्चना जी आपको बताऊं कि एक बार मैं वोट डालने के लिए गया ना, तो क्या हुआ कि जैसे ही मैं डिब्बे पर खड़ा होकर वोट डालने लगा, डिब्बे में खुद डल गया। तो बाहर कैसे आया? वो तो जिस दिन वोटों की गिनती थी ना उस दिन बाहर आया। इलेक्शन कमिश्नर ने खुद खड़े होकर मुझे सल्यूट मारा, कहने लगा भाई कमाल है तू, जिस देश के आधे लोग वोट डालने नहीं जाते वहां तूने खुद को डाल दिया। मुझे एक बात बताओ, हाँ जब तुम पैदा हुए तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए कुछ किया नहीं? देखो भाई करते तो वो है जिनको पता हो कुछ होना है, मेरे मम्मी डैडी ने तो हनीमून प्लान ही किया था, मैं हो गया। मैंने सोचा इतनी सी चीज होनी है क्यों पापा का खर्चा बढ़ाए। तेरे साथ जोड़ी बना ले मैं तेरी। बल्ले बल्ले गिरवा दूंगा। बल्ले बल्ले तो ठीक है, इतने बड़े स्टेज पे तुम परफॉर्म क्या करोगे? इतनी बड़ी स्टेज पे मैं दिखाई दे रहा हूँ, ये परफॉर्मेंस से कम है? मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे साथ जोड़ी बना रहा हूँ, वैसे मैं लड़कियों को भाव नहीं देता, यहाँ तो बच्चा देता हूँ और यहाँ फिर धोखा देता हूँ। और देख सबसे बड़ी बात ये है कि तू यहाँ माही बन के आई है, इतनी मेरी गारंटी है
कि माँ ही बन के जाएगी। मेरा मतलब है कि मैं तुम्हारी इज्जत कम नहीं होने दूंगा, बुढ़ाता जाऊंगा, बुढ़ाता जाऊंगा, बुढ़ाता जाऊंगा। इज्जत तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एक्ट कौन सा करूंगी? अब बॉयफ्रेंड तो तुम मेरे लगते नहीं, अब डॉन भी नहीं लगते, मेरे पति भी नहीं लगते। हाँ, मैं हीर बनूंगी और तुम मुर्गी के अंडे। छोड़ो इन बातों को, ये पर्सनल बातें हम फिर कर लेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, बस मेरे साथ एक्ट करते वक्त तुम्हें दो बातों का खास ध्यान रखना होगा। एक ये कि चलती एक्ट में मुझे बिल्ली मुंह में दबा कर ना ले जाए, और दूसरी दूसरी ये कि विनर को मिलने वाली ट्रॉफी मेरे से बड़ी ना हो भगवान। ट्रॉफी अब डन। हम आ रहे हैं आपको हंसाने और गुदगुदाने इस नए शो पे, नए मंच पर। हो गया सब, चलो सोहेल भाई ताली बजाओ। सुपर सुपर।